साथियों, एग्जाम न्यूज एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 के अंदर आई थी, उसके फॉर्म 8 दिसंबर 2020 से लेकर के 22 जनवरी 2021 तक आपके जो ऑनलाइन आवेदन किए गए थे उनको अब दोबारा से री एडिट किया जाए, यानी कि फॉर्म दोबारा से भरे जाएँ और जिन्होंने नहीं भरे वो भी दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि EWS कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट दी गई राजस्थान के सरकार के अभी आदेश के अनुसार, तो फॉर्म सभी एडिट किए जाएंगे और दोबारा से जो नए फॉर्म अभी भरना चाहते हैं वो नए फॉर्म भी भर सकते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्जाम न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो इसी के राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर दोनों की वैकेंसियों के लिए आवेदन है वो दोबारा से री एडिट किए जाएँ, उसी के बारे में आपको यहाँ आज बताया जाएगा। एज लिमिट इसमें 18 से 40 रहेगी, 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। 1128 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, यहाँ दिया गया राजस्थान वनपाल एवं वन रक्षक के 1128 पदों पर दोबारा होंगे आवेदन, जल्द ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे सभी अभ्यर्थी। EWS के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसके कारण वनपाल एवं वन रक्षक के 1128 पदों पर दोबारा होंगे आवेदन, आधिकारिक सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाता है। इसमें फॉरेस्टर के लिए 87 पोस्ट, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1041, इस प्रकार से टोटल 1128 पोस्ट थी ये। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट इसमें फॉरेस्टर के लिए 1840 और फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1824 साल थी, और जो छूट दी गई उसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे से चेक कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या निपछड़ा वर्ग PWD PH उम्मीदवारों को जो भी छूट है वो सरकार के नियमों में से। राजस्थान में भी जो और नौकरी आने वाली, जैसे स्वायत्त शासन में भर्ती आने वाली, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आने वाली, बिजली विभाग में भर्ती आने, पशु विभाग के अंदर भर्ती आने वाली, राजस्थान रोडवेज के अंदर भर्ती आने, आप इन्हें भी अच्छे डिटेल से रीड कर सकते हैं। साथियों, पे स्केल रहेगा फॉरेस्ट गार्ड के, इनके लिए 5200 से लेकर के 34200 तक रहेगा। फिजिकल टेस्ट की इसके अंदर बात करें साथियों, मेल और फीमेल मेल कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट है वो सामान्य, मेल के लिए 84.5 सेमी फुलाव होना चाहिए और फीमेल के लिए 79.5 सेमी का फुलाव होना चाहिए। बाकी जो छूट दी गई है उसमें ये मेल और फीमेल के लिए, जैसे अनुसूचित जनजाति जैसे असमिया भूटानी गढ़वाली, बाकी सभी इन्हें आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। पैदल परीक्षण होगा इसके अंदर, मेल के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। मेल के लिए अदर जैसे सीटअप हैं 25 होंगी, 1 मिनट के अंदर 25 सीटअप आपको लगानी पड़े, क्रिकेट बॉल उसको फेंकना है 25 मीटर तक। ठीक है साथियों, फीमेल के लिए लॉन्ग जंप है, इसमें 1.35 मीटर होना चाहिए और गोला फेंक 4 किलो का है, 4.5 मीटर फेंकना है। चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीद फॉर्म है वो आप ऑनलाइन पोर्टल लिंक के सेक्शन में आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के सामने जाकर यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं और जैसे ही ये फॉर्म रीएडिट रीओपन होंगे तो इसको नोटिफिकेशन वो अपडेट कर दिया जाएगा। साथियों,